संजय सिंह चौहान इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव है। संजय, एसटीएफ को जांच दे दी गई है, बताया जा रहा है एएसपी रैंक का अधिकारी इस जांच को लीड करेगा, नेतृत्व करेगा, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइए। बिल्कुल, 69,000 भर्ती के मामले को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक पटल पे गहमा गहमी थी और वो अब उसे चूंकि जिस तरीके से घोटाला हुआ, लोग परेशान हुए, डीजीपी ने पूरे मामले की जांच हुए कि एडिशनल रैंक के अधिकारी को सौंपी है। आज अभी कुछ ही देर पहले डीजीपी के मुख्यालय से इस जाँच को एसटीएफ को सौंप दी गई है। तो आज पूरे मामले पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था उस पर पटाक्षेप करने के लिए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी साफ करने के लिए एसटीएफ को अहम और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला था, सरकार चाहती थी कि जो प्राइमरी स्कूल खाली है वहां पर उनकी नियुक्ति की जा सके, लेकिन उस नियुक्ति के पहले जिस तरीके से धांधली हुई और कई लोगों का चेहरा निकल करके सामने आया, गिरफ्तारी भी की गई है, तो अहम है कि इसकी जांच बहुत जल्द हो और जल्द ही इसके परिणाम निकल के सामने आए। क्योंकि जो दोषी लोग हैं, लोगों ने घपला किया है, पूरी भर्ती को करवाने के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है, पैसे वसूले हैं। संजय, बने रहिएगा प्रयागराज से, इस वक्त की एक बड़ी